गुजरात में चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। गुजरात में दो चरणों में चुनाव होंगे। गुजरात में कांग्रेस चुनाव प्रचार में जुट गई है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। गुजरात में कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गुजरात में कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत करने और बीजेपी को कड़ी टक्कर देने में जुटी हुई है। सीएम अशोक गहलोत ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, केजरीवाल को डील बतानी चाहिए कि कितने की डील है उनकी, 5,000 करोड़ की हुई या कम ज्यादा हुई, बताएं वो। जब इतना बड़ा आरोप लगा दिया, ये आरोप कम है क्या? एक राजनीतिक पार्टी जो पंजाब में सरकार में है, दिल्ली में सरकार में है और यहाँ गांधी के प्रदेश के अंदर घुसने का प्रयास कर रही है। केजरीवाल जी को डील बताना चाहिए कितनी डील हुई उनकी, 5,000 करोड़ की हुई या कम हुई ज्यादा हुई, उन्हें बताए वो। जो वो कह रहे हैं इतना बड़ा आरोप लगा दिया, आरोप कम है क्या? एक राजनीतिक पार्टी जो पंजाब में सरकार बनी हुई है, दिल्ली में सरकार में है, यहाँ वो घुस रही है, घुसने का प्रयास कर रही है गांधी के प्रदेश के अंदर, बताएं आपको किसने संपर्क किया? वो खुलासा क्यों नहीं करते हैं? कितने करोड़ लोगों का सौदा किया आपसे या करने का प्रयास किया, वो पूरा खुलासा क्यों नहीं करते? उनको खुलासा करना चाहिए। बताएं आपको किसने संपर्क किया, खुलासा क्यों नहीं करते हैं? कितने करोड़ों का सौदा किया आपसे या करने का प्रयास किया, वो पूरा खुलासा क्यों नहीं करते? उनको खुलासा करना चाहिए। गुजरात में कांग्रेस के दिग्गज नेता और सांसद पी चिदम्बरम ने आज बीजेपी पर कई बड़े आरोप लगाए। सांसद पी चिदम्बरम ने मोरबी पुल हादसे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। चिदम्बरम ने कहा कि गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे से गुजरात का नाम शर्मसार हुआ। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार की ओर से किसी ने भी इस घटना के लिए माफी नहीं मांगी, किसी ने इसकी जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा नहीं दिया। 5 अक्टूबर को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा खुलासा किया था। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि अगर आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव से हटती है तो बीजेपी ने जांच में उलझे मंत्रियों मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को छोड़ने की पेशकश की है। केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी ने पहले मनीष सिसोदिया से संपर्क किया था और अब वो उनसे भी संपर्क कर रहे हैं। यदि आप गुजरात छोड़कर वहां चुनाव नहीं लड़ते तो हम सत्येंद्र जैन और सिसोदिया दोनों को छोड़ देंगे और उनके विरुद्ध सभी आरोप हटा देंगे। इस पर पलटवार करते हुए सीएम गहलोत ने केजरीवाल पर सवाल दागा है। केजरीवाल जी को डील बताना चाहिए कितनी डील हुई उनकी, 5,000 करोड़ की हुई या कम हुई ज्यादा हुई, उन्हें बताए वो। जो वो कह रहे हैं इतना बड़ा आरोप लगा दिया, आरोप कम है क्या? एक राजनीतिक पार्टी जो पंजाब में सरकार बनी हुई है, दिल्ली में सरकार में है, यहाँ वो घुस रही है, घुसने का प्रयास कर रही है गांधी के प्रदेश के अंदर, बताएं आपको किसने संपर्क किया? वो खुलासा क्यों नहीं करते हैं? कितने करोड़ लोगों का सौदा किया आपसे या करने का प्रयास किया, वो पूरा खुलासा क्यों नहीं करते? उनको खुलासा करना चाहिए। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।